प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी अभ्यास में से भाषा अभ्यास पुस्तक में से पेज 13 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले क्लास में हम लोग रविवार के दिन चैप्टर का ही पेज 11 और 12 सॉल्व किए थे और आप लोग सब बनाकर भेजे थे। अब हम लोग पेज 13 में देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज नंबर 3, रविवार का दिन पाठ में से छोटी ई हर्ष ई मात्रा के कोई 5 शब्द चुनकर लिखिए। हम लोगों को 5 शब्द छोटी ई की मात्रा वाले लिखना है, लेकिन कहाँ से लिखना है वो बाहर से नहीं होना चाहिए। वे आपका अभ्यास 4 रविवार का दिन में से ही होना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग तो बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे रविवार के दिन में ई की मात्रा वाले, जैसे रविवार। रविवार तो खुद ई की मात्रा वाले शब्द हैं और रविवार का दिन पाठ का नाम है, तो दिन भी ई की मात्रा वाले, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। तो हम लोग इस तरह से इसमें बहुत सारे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द देखे, जैसे चिड़िया, तिनका, अखिल, रिमझिम, बारिश, छवि, साइकिल, नारियल, किशमिश, अतिथि, बिताया। तो इसमें से हम लोगों को सिर्फ 5 ही शब्द चूज करना है। तो हम लोग पहला 5 शब्द चूज कर लेते हैं। पहले रविवार, सेकंड है दिन, थर्ड है तिनका, थर्ड चिड़िया है, फोर्थ तिनका है और फिफ्थ अखिल है। तो हम लोग 5 शब्द चुन लिए। अब ये 5 शब्द को बुक में लिख देंगे। क में रविवार, ख में दिन, ग में चिड़िया, घ में तिनका, और अंग में अखिल। तो इस तरह करके हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व कर दिए। रविवार, दिन, चिड़िया, तिनका, अखिल। अब आप लोगों को ये हार्ड नहीं लगेगा, आप लोगों को ये बहुत हल्का लगने लगा। आप लोग दूसरा शब्द भी भर सकते हैं पाठ में आए हुए, दूसरा जो मैं नहीं लिखी हूँ वो शब्द भी 5 भर सकते हैं इन खाली जगहों पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा, इसमें क्या सॉल्व करना है। 4, डिब्बे में दिए गए शब्दों को पढ़िए। इस डिब्बे में जो शब्द दिए गए हैं उसको पढ़ना है। पहले अक्षर को पहचान कर उस शब्द को नीचे सही स्थान पर लिखिए। नीचे जो स्थान बना हुआ है उसको लिखना है। यहाँ सबसे पहले की है, क में छोटी ई है, तो की से जो शुरू है उसको इस जगह लिखना है, और द से जो शुरू है, छोटी ई लगा हुआ, दिन एक शब्द है, इसी तरह का शब्द आप लोगों को ये बॉक्स में से खोज करके लिखना है। और फिर यहाँ न से जो शब्द बने हैं, न में छोटी ई नी हो गया, नी से जो शब्द बने हुए हैं उसको यहाँ लिखना है। तो हम लोग बॉक्स में आए शब्द को पढ़ते हैं। पहले किशमिश, दिवस, निकट, निकल, दिखाई, किसान, दिन, निगल, दिलाया, निवास, किवाड़, किनारा। सबको ध्यान से पढ़ लिया। अब की से शुरू होने वाले शब्द कौन है यहाँ से खोजना शुरू करते हैं। की से जो शब्द बनेंगे वो है किसान, तो हम यहाँ किसान लिख देते हैं।
बाकी दो जगह खाली है, ये आप खोज करके भरिएगा बच्चों। कैसे और क्या होता है मुझे उम्मीद है आप जरूर कर पाएंगे। पहला मैं आपको बता देती हूँ, आगे आप लोग खुद करेंगे। कैसे किवाड़ और किनारा भी होगा वो आप लिखेंगे। अब हम द से देखते हैं, यहाँ दिन लिखा हुआ है इसलिए दिन को नहीं लिखेंगे। यहाँ दिखाई दिलाया, दिखाई और अब आप लोग आगे भरेंगे इसमें द से जो भी शब्द दिखाई देता है, जैसे दिलाया दिवस। अब ये नी है, नी से जो शब्द शुरू होते हैं वो हम लोग बॉक्स में खोजते हैं और यहाँ पर लिखेंगे। एक एग्जांपल आप लोग के लिए दिया हुआ है निकट, हम लोग निकट को छोड़ करके बाकी वर्ड्स खोजेंगे। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर निवास दिया हुआ है, ये निवास हो सकता है और ये सही है, हम निवास लिख दे रहे हैं। और बाकी दो शब्द आप खोज करके लिखेंगे, आपको खोजने में ये परेशानी नहीं होगी। आप ये दो जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, सब कुछ आप लोग को मालूम हो गया। ये दो जगह पर निकल और निंगल लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी बन जाएगा। हम लोग पेज 13 पढ़ लिए, अब हम लोग पेज 14 में आएंगे बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज 14 का फिफ्थ एक्सरसाइज समान लय वाले शब्दों के जोड़े लगाइए पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग समान लय वाले शब्द मतलब समझते हैं, जिसका अंत का आवाज एक जैसा हो सुनने में, जैसे माला ताला काला, तीनों में ल लगा हुआ है, ल और आ का लास्ट में, तो काला माला ताला बना। हम लोग आ की मात्रा वाले शब्द में इस तरह का समान लय वाले शब्द लिखे थे। उसी तरह यहाँ पर सिर दिया हुआ और सिर के समान लय वाले शब्द है गिर, क्योंकि यहाँ सी के बगल में भी रह और गी के बगल में भी रह है, तो अंत का शब्द सुनने में एक है इसलिए इसे समान लय वाले शब्द कहेंगे। तो ये सिर है, सिर का गिर हो गया रवि, रवि का क्या हुआ, रवि का यहाँ अंत में वी है। हम लोग देखेंगे वी कहाँ दिया हुआ, यहाँ से खोजेंगे वी कहाँ दिया हुआ, यहाँ पर मिल गया, तो कवि, कवि होगा राइमिंग वर्ड्स, रवि का कवि। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर भी आ गया। हाँ, राइमिंग वर्ड्स हम लोग इंग्लिश में देखे थे, कूल पूल स्टूल, सबका एंडिंग प्रोनंसिएशन एक है, ठीक उसी तरह हिंदी में भी है, रवि का कवि होगा। तो हम लोग रवि को कवि से जोड़ देते हैं। रवि को कवि से जोड़ दिए, उसके बाद है टिकट। तो इसका अंत का शब्द क्या है, कटा, कटा कट है। तो अब हम लोग आंसर में देखेंगे कट कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ निकट है, तो टिकट और निकट एक जैसा लगता है सुनने में, तो ये समान लय वाले शब्द हैं, तो आप टिकट को निकट से मिला देंगे। तो इसी तरह आप लोगों को आगे भी बनाना है। यहाँ हिरन है तो र न लास्ट में है, आप लोगों को देखना है यहाँ र न कहाँ है, यहाँ है, तो हिरन को किरण से मिलाना है। उसके बाद दिखाई के लास्ट में यहाँ दीर्घी है, तो यहाँ देखना है दीर्घी कहाँ है, तो यहाँ पर दीर्घी है, तो दिखाई का लिखाई होगा, इसको इससे मिला दीजिएगा। तो आज यहीं तक बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पिछले पेज से एक्सरसाइज 3 और 4 और पेज 14 से 5 यहाँ तक बना करके लाइएगा, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।